दोस्तों नमस्कार। और आज का ब्लॉग मेरा हो रहा 2 बजे आज, और स्टार्टअप कर रहा हूँ क्योंकि आज यार बहुत काम था और पहले घर में काम निपटाया और उसके बाद अब भागवत कथा का आनंद लेने जा रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कथा। ठीक है, तो बने रहिए। और आप भी अगर कथा सुनने के इच्छुक हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कथा सुनाऊँगा आज। ठीक है गाइस, तो बने रहिए। श्री मातृ पितृ चरण कमले व्यो नमः। श्री गुरु चरण कमले व्यो नमः। श्री इष्ट देवता भ्यो नमः। श्री पितृ देवता भ्यो नमः। विनमयो यत्र यत्र शैर्गोमृषा धाम्नाश्रेण सदा निरस्तहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आपने संसार के जितने भी ग्रंथ पढ़े या सुने, किसी ग्रंथ में भगवान गणेश की वंदना का मंगलाचरण, किसी में भगवती जगदम्बा का मंगलाचरण, किसी में भगवान भोलेनाथ का ध्यान होता है, लेकिन एकमात्र इस संसार का एकमात्र एक ऐसा, यह पुराण है, ऐसा दिव्य पुराण है कि जिसमें न तो गणेश की वंदना की, नहीं दुर्गा की, नहीं भगवान शंकर की, ब्रह्मा की स्तुति भी नहीं की, केवल मात्र केवल सत्य की वंदना की गई है कि सत्यम परम धीमहि। जो ये बुद्धि है हमारी वह सत्य की ओर प्रेरित हो। कल भी प्रसंग आया था, सत्य का मतलब है सत्य, जो त्रिकालावादित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, ऐसे सत्य की वंदना की, क्योंकि सत्य ही तो सत्य नारायण है। कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा धर्म है हमारा, जिस पर ये धरा टिकी हुई है वह क्या है? वह सत्य है। बिना सत्य के जीवन में जीवन पार नहीं हो सकता है, और सत्य हमेशा अटल रहता है। तो जन्मांदस्य ततो न्वयाद इतरतः, इस प्रकार से मंगलाचरण कह रहे हैं
स्वराट, भगवान को स्वराट कहा। स्वयनेव राजते इति स्वराट, जो अपने में ही प्रतिष्ठित है उसे स्वराट कहते हैं। ऐसे भगवान श्री सत्य नारायण की, भगवान नारायण की जो है स्तुति की, और कहा कि धर्म क्या है। एक तो सत्य धर्म है, लेकिन दूसरा सत्य क्या है, दूसरा धर्म क्या है हमारा, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित के तव परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वर सद्यो रुद्यवरुद्रते त्रकृतिवे शुश्रूवे तत्क्षणा। दूसरा धर्म हमारा है भगवान की कथा को सुनना। शौनकादि ऋषि भगवत प्राप्ति की इच्छा से, भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा से ऐसे महान यज्ञ का अनुष्ठान वह कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। कि तो एकदा तुम नया प्रातर्भूतता नया सकृतं सोतमासीना प्रपच्छं मुनिदारमा। और ऐसा एक दिव्य सिंहासन बनाया गया और वहां से सूत जी जब वहां विराजमान हुए आ रहे थे तो बोले आप इस आसन पर बैठिए। ऐसा सुंदर भाव उन शौनकादि ऋषियों का सूत जी के प्रति। सूत जी उम्र में छोटे हैं, वहां तो कई युग युग पर्यंत बड़े बड़े आयु वाले ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन कहा गया है कि आयु वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथेव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा ते किं करा शिष्य किं करा। देखिए कोई आयु में वृद्ध होता है, उम्र हो गई 105 पर लेकिन ज्ञान तो नहीं है ना, उम्र हो गई, उम्र से वृद्ध है। कोई बल से वृद्ध होता है, भुजाओं में बड़ी ताकत होती है, और कोई धन से वृद्ध होता है, बड़ा धनवान होता है। लेकिन जो ज्ञान में वृद्ध होता है प्रिय भक्तों, वो सब इन वृद्धों के सामने बोले होते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, तब कह रहे हैं ऋषि कि त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यपदीतानि धर्मशास्त्राण्यन्यतः। कि हे भगवान आप तो जो है इतिहास को जानने वाले हैं। मैं इतिहास पुट आसो इतिहास, जो घटना प्रद बात को बताए उसे इतिहास कहते हैं। कोई घटना हुई बहुत युग युगों में और वह लिपिबद्ध उसे किया गया, लिखा गया पुस्तकों में, तो वह इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं उसे इतिहास कहते हैं। और जिसमें शिक्षा प्रद बात हो उसे पुराण कहते हैं। पुरा अपि नवम, बहुत पुराना होने पर भी नया लगता है। कई बार आपने भागवत की कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो आप जो है इतिहास और पुराण के ज्ञाता हैं। सूत जी आप स्थान ग्रहण कीजिए, ऐसे शिक्षा प्रद बात जिनमें हो उसे पुराण कहते हैं। कि सूतम जाना सि भद्रम ते भगवान सात्वतापतिम
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। हे प्यारे सूजी, बड़े आदर से कह रहे हैं, छोटे हैं ना लेकिन ज्ञान है, बुद्धि संपन्न है, विवेक संपन्न है। बड़े स्नेह से कह रहे हैं कि प्यारे सूजी, आपका कल्याण हो, आप तो इतिहास और पुराण को जानने वाले हैं,